दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ मेरी शेक की अर्निंग। दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि हाउ टू अर्न रुपीज 1 लाख इन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने में हम 1 लाख रुपए shake.com से हम कैसे कमाएंगे, इसका वीडियो मैंने एक बनाया था, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके वहां पे देख लीजिए। दोस्तों बहुत ही मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने मुझे पूछा है कि आपकी सैलरी कितनी है यार, आप 1 महीने में मैक्सिमम कितना कमाते हैं, तो इसी बात को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेरा जो हाईएस्ट पेमेंट शेक से आया था वो था 58,000 था, जो कि मैं मेरा 8 से 10 घंटे का जॉब करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें काम करके मैंने वो उतना कमाया। अगर आप फुल टाइम वहां पे देते हो तो आपकी अर्निंग 1 लाख वहां पे बनेगी ही बनेगी। तो आप सोचिए, अगर आप मैं जॉब करके इतना कमाता तो आप अगर फुल टाइम वहां पे देके दोगे तो आसानी से आपकी अर्निंग 1 लाख तक चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते मेरा जो शेक का पेमेंट प्रूफ है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो उसी बारे में हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेरा शेक का पेमेंट प्रूफ। लेकिन शेक का पेमेंट प्रूफ देखने से पहले मैं आपको मेरा एक क्वालिटी रिव्यू आया है वो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे 9 आंसर जो भी इवेल्युएट किए उसका रिव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू डिसीजन या फिर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री, अगर यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री आता है तो आपका अकाउंट रिवोक हो जाता है। अब यहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों आता है, ये जो 9 आंसर है, 9 या फिर 10 आंसर वो इवॉल्व करते हैं, तो उसमें से आपका मिनिमम है जो 3 का रेटिंग अगर आता है तो आप यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू पाते हैं। लेकिन अगर आपका 3 से नीचे, ओवरऑल 3 से नीचे अगर आपका रेटिंग जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे रिवोक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ 5 मिले, 5 5 5 5, लेकिन यहाँ पे 2 ही मिले। अब यहाँ पे 2 क्यों मिले, देखिए इन्होंने रीजन बताया है, कैलकुलेशन एरर इन कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे 2 out of 5 मुझे मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लेगराइज्ड आंसर, वो 0% मतलब 0 टॉलरेंस ही है प्लेगराइज्ड आंसर के लिए, मतलब अगर आपने थोड़ा भी आंसर प्लेगराइज फिर कॉपी पेस्ट किया तो आपको यहाँ पे 0 out of 5 रेटिंग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेगराइज्ड आंसर यहाँ पे नहीं चलता है। प्लेगराइज्ड मीनिंग कोई भी अदर सोर्स से हम अगर कॉपी पेस्ट करें या फिर वैसे के वैसे हम टाइप करें तो वहां पे हम प्लेगराइज्ड आंसर कहते हैं। प्लेगराइज्ड मीनिंग सिंपल चोरी का आंसर। ओके, तो वैसे हमारे चोरी का आंसर यहाँ पे नहीं करना है, वहां पे आपको 0 ही पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 4.5 मिला है, वो किसे, यूनिट फॉर द फाइनल आंसर इज मिसिंग, यानी कि अगर आपके आंसर में कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका स्कोर यहाँ पे लूज होने वाला है। ठीक है, तो आपका रेटिंग अगर ये ओवरऑल रेटिंग मेरा अभी देखो लगभग 4.5 के ऊपर ही है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर आपका रेटिंग 3 से नीचे चला जाता है तो आपका यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है और आपका अकाउंट यहाँ पे रिवोक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मेरे पहले पेमेंट की तरफ, यानी कि मेरा चेक का पहला पेमेंट कितना था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखिए मेरा चेक का पहला पेमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मेरा पहला पेमेंट देखिए कब है, यहाँ पे 12/15/2015, यानी कि लगभग 2015 में मेरा चेक का अकाउंट शुरू हो गया था, तो दिसंबर में, ये दिसंबर का मेरा पेमेंट है। उस टाइम मुझे कुछ मतलब श्योरिटी नहीं थी ये चेक कोई जेन्युइन है कि नहीं, ये सच्चा है कि नहीं, तो इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं किए थे। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए मंथ यानी कि दिसंबर मंथ का ये बैंक अकाउंट नंबर जो भी दिया है उसका आईएफएससी कोड है, ये मेरा नेम, ये पैन कार्ड नंबर, ये तो मैं यहाँ पे अभी मैं ब्लर करूंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये मेरा यूजर आईडी, मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मुझे 97 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से मिलते है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए थोड़ा कम है और मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से थोड़ा ज्यादा पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन सरफेस मतलब मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन को वहां पे देख लिया था,
आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चन स्किप किए थे और एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे जेन्युइनिटी की मालूम नहीं थी कितना, मतलब इसे जुने नहीं सच्चा है कि नहीं या फिर फ्रॉड है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। इनवैलिड रिस्पॉन्स है, मतलब आपका कोई इनवैलिड रिस्पॉन्स है क्या, मतलब कोई रॉन्ग आंसर है या फिर कुछ भी ऐसा लिख के सेंड किया है, ये वो आप यहाँ पे आपको शो होगा, मैं आपके मेरे नेक्स्ट सैलरी में मैं आपको निकालूंगा। ठीक है, वैलिड रिस्पॉन्स एक ही सॉल्व किया था तो एक ही है। रेट 97 के हिसाब से मुझे 97 रुपीज ही मुझे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज बोनस एप्लीकेबल, तो मतलब यहाँ पे मेरे मुझे एक बोनस भी मिला है, उस टाइम बोनस एप्लीकेबल था तो मुझे 9.7 रुपीज का बोनस भी मिला है, तो मेरा ग्रॉस पेमेंट हो गया 107 और उसमें से TDS कट हो गया 10%, तो मेरा 97 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया था। ठीक है, ये मेरा दिसंबर 2015 का पेमेंट जो कि मेरा पहला पेमेंट था, उसके बाद मैंने पेमेंट आता है ये देख के मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, तो आप देख लेते मेरा दूसरा वाला पेमेंट, जो मैंने मेरा पेमेंट बताया था 58,000 मेरा पेमेंट था, वो सैलरी से मुझे अभी मिल नहीं रही है, जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये पेमेंट मेरा 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 है, मेरा मतलब अप्रैल मंथ का ये मेरा पेमेंट प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने टोटल 326 आंसर मैंने सबमिट किए थे, एक आंसर का रेट था 97 रुपीज, उसके हिसाब से मुझे 34,236 रुपीज मिलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे 10% TDS अपना डिडक्ट होता है, कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जैसे हम TDS फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें फिर से वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेरा 10% अमाउंट डिडक्ट करके मुझे कुल मिला के 30,812 रुपीज यहाँ पे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके थे। ठीक है, तो ये तो था मेरा पेमेंट प्रूफ, जो अगर मैंने इतने मतलब 30,000 जो मेरा पेमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो मैंने मैंने मतलब मैं जॉब करता हूँ, जॉब 8 से 10 घंटे जॉब करके पार्ट टाइम में जॉब करके इतना कमाते हो, अगर आप फुल टाइम यहाँ पे देते हो तो आप यहाँ से 1 लाख तक भी यहाँ पे कमाओगे। ठीक है, और आपको 1 लाख कमाना है तो मेरा वीडियो देखिए, मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने पहले ही आई बटन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस वीडियो में बारे अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए चेक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जरूर पूछ सकते हो। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।